समस्त देशवासियों को आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष एस अग्रवाल के नेतृत्व में जिले की सभी विधानसभा में स्वतंत्रता दिवस को तिरंगा यात्रा बाइक रैली निकाली गई। रैली में हजारों की संख्या में युवा जोश और जुनून के साथ शामिल हुए। यह यात्रा जिले की सभी 8 विधानसभा में निकली। भारत माता के जय घोष के साथ रैली में चल रहे युवा भारत माता के जयकारे लगा रहे थे। इस दौरान जिले की सभी विधानसभा में स्थानीय जनप्रतिनिधि पदाधिकारी कार्यकर्ता समेत हजारों की संख्या में युवा शामिल हुए। आजादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस पर जिलाध्यक्ष एस अग्रवाल के नेतृत्व में 8 विधानसभा में बाइक रैली तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और सागर विधानसभा में तिरंगा बाइक रैली शहर के प्रमुख मार्गों से भारत माँ के जयघोष के साथ निकली। कार्यक्रम के पहले एस अग्रवाल ने यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एकमात्र देश है जहां उसी माता की तरह पूजा जाता है। यही कारण है कि देश की रक्षा करते हुए सपूतों ने अपने प्राण तक दे दिए हैं। मोर्चा द्वारा एकदम विशाल तिरंगा यात्रा बाइक रैली निकाली जा रही है। उसी काल समयाद ये रैली थी। आज युवा मोर्चा सागर जिले के प्रत्येक कार्यकर्ता ने पूरी मेहनत की है, पूरे जिले की। मैं समझता हूँ 8 विधानसभाओं में आज रैली आयोजित अभी तक हो चुकी है और सागर की भी ऐतिहासिक रैली रही। तो इन रैलियों को सफल बनाने में चाहे हमारी सुर्खी की हो, त्योरी की हो, बंडा की हो, पीना की हो, खुरई की हो, नरियावली की हो, चाहे हमारे 7 विधानसभाओं की हो, और आज सागर विधानसभा की रैली संपन्न हुई है। और आज सागर की रैली, मैं समझता हूँ कि सागर के इतिहास की सबसे बड़ी बाइक रैलियों में से आज एक बाइक रैली निकली है और इसके साक्षी भी हमारे मीडिया के साथी बने हैं। निश्चित रूप से हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये कार्यक्रम था। सैकड़ों की हजारों की संख्या में युवा कार्यकर्ता थे और मैं अब मीडिया के माध्यम से और इस चीज को अपने मन की बात को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि आज जो रैली सफल हुई है, आज चाहे सागर विधानसभा में हुई है, चाहे हमारी पूरी विधानसभा में हुई है, इसका पूरा श्रेय भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को, मंडल अध्यक्षों को, एक एक कार्यकर्ता को है। इसमें मेरा कोई मतलब ये कह सकते हैं कि नेतृत्व में कर रहा हूँ कि श्रेय अगर किसी के माथे पे बनेगा तो वो युवा मोर्चा के एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष के माथे पे बनेगा। अध्यक्ष जी, आज हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर थे, क्या संदेश दिया है आज? देखिए, हम लोगों का ये सोचना है कि हम लोग एक नारे के साथ चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी विचार पे काम करने वाला दल है। हम लोग बोलते हैं कि भारत माँ का वैभव परम वैभव पे जाना चाहिए। हम लोग बोलते हैं हमारे लिए राष्ट्र पहले है। आज स्वतंत्रता दिवस का दिन है, आज भारत को अखंडता और आजादी मिली थी। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ ये कार्यक्रम कोई पॉलिटिकल अपने से बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, ये कार्यक्रम देश के लिए था। हम लोगों ने ये रैली का नाम भी तिरंगा यात्रा रखा था, तो निश्चित रूप से इस रैली का उद्देश्य ये था कि युवाओं की भी निश्चित रूप से अपने देश के प्रति उनका समर्पण बढ़े। युवाओं की जो भारत के युवा है, मैं समझता हूँ वो कैसे युवा होते हैं जो दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। तो इस रैली का सिर्फ उद्देश्य इतना ही था कि हमारे अखंड भारत की जो कल्पना हम लोग करते हैं उसमें हम लोग आगे बढ़े और हमारे जो युवा साथी हैं वो भारत माता के जयकारों के साथ परम वैभव पे भारत माता को ले जाने का काम करें।